नमस्कार, मैं मुकेश गुप्ता, आंखों देखी न्यूज़ से। राजस्थान के जालौर विवाद को लेकर माहौल काफ़ी गर्मा गया है। एक बच्चे की मौत का मामला है ये। स्कूली बच्चे, शिक्षक व स्थानीय लोगों द्वारा यह कहा गया है कि स्कूल में कोई भी मटका नहीं रखा गया है, ना ही मामला यह जातिवाद का है। सभी बच्चे एक ही टैंक से पानी पीते हैं। बच्चों की लड़ाई में शिक्षक ने एक बच्चे की पिटाई की थी। वह बच्चा पहले से बीमार था। 20 दिन बाद जब बच्चे की मौत हुई तो उसे दूसरा एंगल दिया जा रहा है। असलियत क्या है यह तो मामले की जांच के बाद ही पता चल पाएगा। आपका क्या नाम है? नरेंद्र प्रताप। यहाँ पे कल से वो खबर वगैरह वायरल हो रही है कि बच्चों के मटके से पानी पिया था और मास्टर ने उसकी पिटाई की और बच्चा मर गया। तो यहाँ पे पानी आप मटके से पीते हो कि वॉच से पीते हो? मटका है ही नहीं, सब वॉच से पानी पीते हो सब बच्चे ना? हाँ, तो क्योंकि सब लोग कह रहे हैं कि मटके से पानी आप लगाया था एक दलित बच्चे ने और मास्टर ने उसको पीटा, इसके लिए उसकी डेथ हो गई है। तो ये बात मतलब गलत है कि मटका यहाँ पे है ही नहीं स्कूल में, सब हौद पे हौद बना हुआ है, हौद पे टूटी लगी हुई है, सब उससे पानी पीते हैं, ठीक है ना? ओके। तो मीडिया पे चल रही बात ये सरासर झूठी है सर, को सब स्टाफ को पूछ तो और बच्चे को पूछ सकते हैं। कैसे दबाव रहा है आपका? नहीं सर, कल एसपी साहब आए थे उनको भी यही बताया, एसपी साहब आए थे उनको भी यही बताया। सत्य की जीत है, सच्ची जीत है, सच्चा पहले से कोई सर। सर बच्चा कक्षा में बच्चे बता रहे हैं कि उसके पहले से ही कान में रुई डाल के आता था, ये सुनाई में आ रहा है और बच्चे बता भी रहे हैं। और मारपीट वाला तो सर आपको सर पता ही है सर, मार कौन मार पीता है, कौन पीटता, कोई पीटता ही नहीं। वो तो आपको सर, आप शिक्षा, आप सर बुद्धिजीवी, आपको खुद को पता ही है सर। हाँ सर पहले से सब तो भेदभाव हुआ नहीं, आज हुआ है। इसका खुद का भाई आठवीं पास करके इनके परिवार के 3-4 बच्चे मतलब पढ़ के गए, कोई मतलब उनका भाई वगैरह सब पढ़ के गए। नाम गणपत राम। गणपत राम जी, ये जो अभी अशोक जी स्टेटमेंट दे रहे थे आप सुन रहे थे? नहीं तो भी है, काफी आया था। अच्छा, तो आप अपने बताओ, देखो गणपत जी सही से बताओ क्या बात थी। देखो पूरे भारत में ये बात फैल गई कि भाई किसी बच्चे के साथ मतलब मटके को लेकर के मारपीट हुई और उसका मतलब मौत हो गई। ये बहुत सीरियस बात है, इस देश के लिए भी सीरियस बात है। ऐसे समय में अपनी अपनी ड्यूटी बनती है कि हम सच्चाई को बाहर लाएं। अपन ने जो देखा है वही बताना है। हाँ बिल्कुल वही बताना है, ये अपने गांव की एकता की भी बात है। हाँ सही बात है। और अरे नहीं देखो, गांव एकता बात की बात है, अभी तो सच्चाई की बात है। स्कूल में एक ही टंकी और वहां सभी पानी पीते, मैंने ये देखा और यही है। पक्की बात है ना? पक्की बात। ऐसा तो नहीं खाने का सिस्टम आपका अलग बैठता है, पीने का अलग बैठता है, अलग कास्ट के हिसाब से? साथ में ही बैठते हैं स्कूल में। डेट श्योर है ना? आपके पास दबाव तो आएंगे, ध्यान रखना दबाव। अपन तो साथ सत्य बोलते, कोई कोई संगठन हो, कोई जाति हो, कोई धर्म हो, उससे कोई मतलब नहीं है। सत्य है ना, सत्य सबसे बड़ी बात है, उस पे कायम रहना आप लोगों पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा।